आइए भगवत नाम का स्मरण कर लेते हैं थोड़ी देर। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। गाइए आप भी मेरे साथ। तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसने है परमेश्वर तेरा, किसने कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय, गौ माता की जय। योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। हमारे अग्रज बड़े भाई पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज जी, ज्ञानानंद जी महाराज जी गीता में ही आनंद करते हैं, इसलिए ज्ञानानंद जी इनका नाम है, वैसे गीतानंद जी है पूरे गीता। अच्छा, गीतानंद जी गुरु जी का नाम, तो गुरु के ही प्रतिरूप होते हैं शिष्य। देखो, माता पिता भी कभी नहीं मरते, क्योंकि माता पिता के ही प्रतिरूप होते हैं उनकी संतानें। ये वैज्ञानिक दृष्टि से शारीरिक भौतिक सत्य भी है और यह आध्यात्मिक सत्य भी है कि माता पिता भी कहीं नहीं मरते, वो अपने संतानों के रूप में सदा हमारे बीच रहते हैं। और संत का तो कभी अंत होता ही नहीं है, उनकी तो एक शाश्वत आध्यात्मिक उपस्थिति।
गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, ज्ञान के रूप में, उनके सदाचरण के रूप में हमारे बीच में रहती है। तो ऐसे हमारे पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी का मुझसे कहना था कि मैं इधर आज एक वृंदावन कार्यक्रम में आ रहा था कि आपके बीच में भी थोड़ी देर के लिए आएँ, और एक साथ इतने संत महापुरुषों का दर्शन का लाभ मिला, और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ये इतने गहरे विद्वान, इतने गहरे साधक, सिद्ध महापुरुष जिनका पूरा व्यक्तित्व अस्तित्व पावनता से भरा हुआ है, और इतने संत महापुरुष जो सभी मंच पर दाएं बाएं और विराजमान हैं। थोड़ा आनंद हुआ जाकर के सब संत महापुरुषों के दर्शन, और आप सब सदगृहस्थ। देखो पूज्य महाराज जी ने भी बहुत बातें कह दी, हम तो दो ही शब्द बोलेंगे, एक है दृष्टि। आप भी जरा हमारा सहयोग कीजिए, क्या शब्द बोला मैंने? दृष्टि। और दूसरा है स्थिति, उसी को आचरण कहो या दूसरा कोई भी नाम दो। तो भाई दृष्टि तो आप सबको इन महापुरुषों ने दे दी है, शेष रह जाता है आचरण। दृष्टि माने किसी बात की समझ, समझदारी, अंग्रेजी में बोले तो अंडरस्टैंडिंग। बड़ा शब्द होता है विजन, और विजन जो राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए जिनका होता है उनको विजनरी बोलते हैं, उसको पूरा करना उसको मिशनरी कहते हैं। ऐसे शब्द सुनते रहते हैं हम। दृष्टि बोध, ज्ञान, विवेक, समझ, मुझे लगता है इसमें कमी नहीं है। आप सब जानते हैं कि योग करना आपके लिए अच्छा है कि नहीं, बोलो जोर से बोलो। करते कितना, करने वाले भी ठीक ठाक हैं, एक बार उनका भी अभिनंदन। मानने वाले 100% हैं कि योग अच्छा है, ये जानने वाले, ये मानने वाले, ये समझने वाले, लेकिन करने वाले वही 2-4-5-10%। बताओ राम जी हमारे आदर्श हैं या नहीं, जोर से बोलो। तो इसका मतलब आपकी दृष्टि तो एकदम साफ साफ है, आपकी समझ में कोई दिक्कत है नहीं, और राम जैसे हमें जीना चाहिए कि नहीं, राम जैसे कितने जीते हैं। अब इसमें जो है कहने में थोड़ा अहंकार लगेगा, इसलिए हाथ ऊंचा नहीं कर रहे। राम जी की तरह मर्यादा में जीना, ये राम की भक्ति है। राम जी ने जैसे वैवाहिक संबंधों में सीता के अतिरिक्त किसी का मन से भी चिंतन नहीं किया, और सीता माता ने राम के अतिरिक्त किसी पुरुष का अपने अंतरंग संबंधों में चिंतन नहीं किया, ऐसे सभी पति पत्नी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता की तरह जीना शुरू कर दें, तो फिर से राम राज्य की प्रतिष्ठा इस भारत में नहीं पूरे विश्व में हो जाए। हमसे प्रेरणा लेकर के दूसरे भी कहेंगे कि भाई गृहस्थ हो तो भारत के सदगृहस्थों जैसा होना चाहिए, ऐसा हम आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें क्या प्रश्न है। जब हम सब समझते हैं तो उसको जीना चाहिए। एक तरफ 14 वर्ष का वनवास और दूसरी तरफ जो है इतना बड़ा सिंहासन साम्राज्य छोड़ दिया, यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की मर्यादा। हमारे मर्यादा की बात करते करते हमारे योगी जी भी आ गए एक बार, सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। योग की मर्यादा, एक साधु की मर्यादा, हमारी गोरखपीठ ने योगियों की, सिद्धों की, तपस्वियों की, साधु की, एक योगी की मर्यादा भी अपने पुरखों से लेकर के पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी से लेकर के हमारे पूज्य योगी जी महाराज आ गए हैं आदित्यनाथ जी तक, योगी की मर्यादा, एक साधु की मर्यादा,
और एक राज्य की राष्ट्र की मर्यादा का भी प्रामाणिकता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे योगी जी महाराज। एक बार फिर से हमारे संत समाज के गौरव, योगियों के गौरव, हमारे राष्ट्र के गौरव, हमारे पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज जी का, जिन्होंने हमारे योग की मर्यादा को, योग की परंपरा को, हमारे संन्यास की इस भीख की परंपरा को गौरव दिलाया। और एक साधु निरपेक्ष होकर के, एक निर्लोभ जीवन जीता हुआ, निष्काम जीवन जीता हुआ, निष्कलंक जीवन जीता हुआ, कैसे राष्ट्र की भी बड़ी सेवा कर सकता है। और आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश के एक कुशल मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस पूरे प्रदेश जिसमें बहुत प्रकार के प्रश्न थे, बहुत प्रकार की बाधाएं, चुनौतियां थी, उन सब के बीच में इस प्रदेश को आगे लेकर के जा रहे हैं। और पूरे हमारे इस साधु समाज का, हमारे धर्म अध्यात्म संस्कृति का और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे योगी जी को पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखो भाई, हमारी तो दो ही बातें थी, उनको हम पूर्ति कर देते हैं, फिर योगी जी महाराज को सुनेंगे। मैं कह रहा था, हम सब जानते हैं कि योग हमारे लिए शुभ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम हमारे आदर्श हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, गोमाता हमारी आदर्श हैं, ये छोटी छोटी बातें सब हम जानते हैं। स्वदेशी हमारे राष्ट्र के हित में है, तो बस उसको जीना शुरू कर दो। जैसे मैं मानता हूं कि योग मानव मात्र के कल्याण के लिए है, तो मैंने 9 वर्ष की उम्र से आज तक एक दिन भी योग को छोड़ा नहीं। अभी भी यहां पर आया हूं तो 400-500 दंड बैठक लगा के आया हूं, देख लो। ये कोई मसल्स नहीं, ये वो जिम से बनाए हुए नहीं, ये सूर्य नमस्कार से, कपाल भाती, अनुलोम विलोम से, देह को साधना। जो बीमार होते हैं वो देश पर भार होते हैं, खुद दुखी होते हैं, अपने परिजनों को, स्वजनों को दुखी करते हैं, कभी बीपी, कभी शुगर, कभी हार्ट की प्रॉब्लम, कभी कैंसर। भाई क्यों दुखी होते हो, क्यों देशों को दुखी करते हो? मैं चाहता हूं कि मेरा एक भी देश का व्यक्ति बीमार और लाचार होकर के ना जिए, ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। और ऐसा करने की बात है भाई, वक्त सबके पास में है, 1 घंटा क्या योग के लिए वक्त नहीं हमारे पास में है? हम सब जानते हैं कि हमें अपने महापुरुषों की तरह ही जीवन जीना चाहिए, महाजनो हीन गता सपंथा, ऋषणाम चरितम सत्यम, संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधीशी। तो दूसरी बात देखो भाई, आज ना हम क्या कर सकते हैं ये संकल्प लेके जाना चाहिए। तो हम योग कर सकते हैं, हम गो सेवा कर सकते हैं, 2-3 तरह से कर सकते हो। एक तो सुबह उठ करके सब 4-5 चम्मच गोमूत्र पिया करो। ये जितने भी मोटी मोटी सेठानी बैठी हैं सब स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। देखो तो ठीक से बैठा भी नहीं जाता, कुछ ऐसे बैठे हुए थोड़ी थोड़ी देर में पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है, क्यों? ये पैर टिकते ही नहीं है सीधे। सुबह गोमूत्र पिया करो, वजन कम रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, पेट खराब नहीं होगा, कब्ज की बीमारी नहीं होगी। हमने करीब 1,00,000 गायों की रक्षा का तो प्रबंध कर दिया है, गोमूत्र वो भी शुद्ध देसी गाय का अर्क निकालते हैं गोमूत्र का, वो औषधि है। गाय का गोबर का अंश, गोमूत्र का अंश, दूध का, दही का, घी का, इन 5 द्रव्यों में से कोई भी एक अंश हमारे भीतर जाता है तो हमें सात्विक बना देता है। 3 भाव हैं ये भी, जैसे परमात्मा अनादि है, अनंत है, जीव अनादि और अनंत है, ऐसी प्रकृति भी अनादि और अनंत है। और इसमें 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
दैवी संपद में आपको जीना है, रजोगुण और तमोगुण से बाहर आना है, तो गाय का आश्रय लो, गोमाता का आश्रय लो, गुरु का आश्रय लो, गीता का आश्रय लो। तो गोमूत्र आपके शरीर में जाना चाहिए, 2 चम्मच गाय का घी खाना चाहिए। अभी पिछले दिनों करीब 15-20 हजार हार्ट के दुनिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट अमेरिका में बैठे और सबने एक स्वर से कहा, जितना भी रिफाइंड ऑयल है ये सबको बीमारी पैदा करता है, कम से कम 2 चम्मच देसी घी जरूर खाना चाहिए, देसी घी 2 चम्मच सबको खाना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए, यह पूरी दुनिया में हो रहा है कि लोग देसी घी खा रहे हैं, ये जितना भी रिफाइंड है ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम करता है, बीपी करता है, शुगर करता है, और एमएस ऑटोमेट डिजीज बहुत तरह की बीमारियां करता है। तो भाई गाय का घी खा लिया करो, फिर अपना फर्श सब साफ करते हो, पोछा लगाते हो, गोमूत्र से बढ़िया एंटी बैक्टीरियल कुछ भी नहीं है। हमने गोनाइल जो तैयार किया, इस समय करीब हम 1 लाख रोज बना रहे हैं, अगले साल तक हमारी योजना है हम 5 लाख बना सकें। तो 5 लाख हम गोमूत्र की बोतलें भरेंगे तो करीब 5 लाख गायों की सेवा हो जाएगी। ये कार्य अभी हमने करीब 10 गौशालाएँ छोटी छोटी शुरू कर दी, पहाड़ों में से उत्तराखंड से करीब करीब जो है, पहले 1000 से शुरू किया था, अब 2000 गायों से हम गोमूत्र कलेक्ट कर रहे हैं। 7 रुपये हम गोमूत्र का देते हैं, गाय का मूत्र हम 7 रुपये लीटर खरीदते हैं। आज से 5 साल पहले 7 रुपये लीटर दो गाय का दूध खरीदा जाता था, और थोड़ा सहयोग किया तो हम गोमूत्र ही 10 रुपये किलो खरीद लेंगे, गाय दूध ना भी देगी तो रक्षा हो जाएगी उसकी। जब 8-10 रुपये गोमूत्र ही ले लेंगे तो एक गाय कम से कम 5-7 लीटर दो गोमूत्र तो दे ही देगी, उससे अच्छा है। तो आज संकल्प लेके जाओ कि सुबह उठ करके क्या पीना है, गोमूत्र का अर्घ लेना है, बहुत अच्छा होता है आरोग्य के लिए। ये भाइयों आपके लिए भी, सेम टू यू, हाँ आपके लिए भी है, बहुत जरूरी। इतना करना शुरू कर दो ना, इसमें क्या जाता है भाई, इतना आड़ कबाड़ खाते हो सब निकल जाएगा, सुबह सुबह गंदगी ऊपर से नीचे तक सब साफ हो जाता है, बहुत अच्छा है। गोनाइल का इस्तेमाल करो, गाय दूध का इस्तेमाल करो, गाय का घी का इस्तेमाल करो। फिर अगली बात छोटी सी, स्वदेशी का व्रत लो। आज से 20-25 साल पहले से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करूँगा, कोई आज की बात नहीं है। मैं घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता। सीधी सी बात है, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए बोलो, देश में सम्मानते हो, ये गेट वाले थारे फुफे ला गए, ये यूनिलीवर वाले, ये लाक्स लाइफ बॉय फेयर एंड लवली वाले हमारे को रिश्तेदार लगते हैं। मैं राधा रानी से, भगवान कृष्ण से, शिव जी से, भगवान राम जी से, अपने पूर्वज गौतम, कणादे, जमिनी, पाणिनी, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सबसे हमारी कोई ना कोई हमारा संबंध है, इनसे क्या संबंध है भाई। देश का पैसा देश में रहे, विदेश में क्यों जाए भाई। और उनसे बढ़िया चीज, विदेशी चीजों से बढ़िया साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट हो, कोई भी चीज हो, खाने पीने की चीज हो, जब अपने देश की अच्छी मिल रही तो विदेशियों का क्यों ले लेना। इतनी सी बात है, इसमें कोई हिसाब किताब वाली बात नहीं। और जब हिसाब किताब वाली बात है तो हमने कहा कि पतंजलि ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योग, आयुर्वेद, गो सेवा और भारत माता की सेवा के काम किए, और पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है, भारत की माता की सेवा के लिए। तो ऐसे कामों को प्रोत्साहन दो। मैं ये नहीं कहता कि केवल पतंजलि आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े। लोग कहते हैं जीडीपी घट रही है जी, ग्रोथ रेट घट रही है जी, अब इसमें भी आंकड़ों में भी बहुत सारा उल्टा पुल्टा रहता है। तो मैंने कहा भाई कोई मोदी जी जाके खेती करेगा, कोई मोदी जी फैक्ट्री चलाएगा, मौका मोदी को दुकान चलाएगा, ये तो 125 करोड़ भारतीयों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जब हम 125 करोड़ भारतीय अपने हाथों से पुरुषार्थ करेंगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, देश का सरप्लस होगा, चारों तरफ से देश बढ़ेगा। हम 125 करोड़ लोगों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और जब 125 करोड़ लोग पुरुषार्थ करेंगे, 250 करोड़ हाथ देश को बनाने में लगेंगे, तो मोदी जी जो न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं वो भी बनेगा, और वो हम सबको मिलकर के बनाना। देश के शासकों का कार्य अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व देना, अच्छी नीतियां देश के लिए बनाना। अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व देते हुए अच्छी नीतियां देश के लिए बनाना, ये देश के नेतृत्व का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना अपना कार्य, अपना अपना पुरुषार्थ करें।
मैंने 9 की उम्र से योग करना शुरू किया और तभी से एक संकल्प ले रखा है, छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। छुट्टी की क्या कर रखी है? छुट्टी। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ है और परमार्थ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसे आप भी संकल्प लेकर के जाओ कि हमें अपने कर्म को अपना धर्म मान के स्वकर्मणाम तम अभ्यर्च्य सिद्धि विंदति मानव। हमें जीवन में सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पावर चाहिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए, तो पुरुषार्थ ही एकमात्र हमारे जीवन का आधार तत्व है। तो आज बस इतनी सी बात कह करके कि हम सब जीवन में जैसा समझते हैं सत्य और असत्य का, धर्म अधर्म का, शुभ अशुभ का, कर्तव्य कर्तव्य का सामान्य बोध सब आत्माओं को है, जो ज्ञान है उसका हम अनादर ना करें और अपने कर्तव्य से हम पीछे ना हटें, तो दृष्टि और हमारी स्थिति, हमारा आचरण दोनों ठीक हो गए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाएंगे, सारे भ्रम सारे अंतर्द्वंद्व हमारे मिट जाएंगे। तो इतना ही कह करके आज इतना ये पावन उत्सव हमारे पूज्य गीता मनीषी जी के सानिध्य में, आपको एक तरफ यहाँ इस तीर्थराज, इस हमारे सबसे बड़े तीर्थ, जैसे अभी बात चल रही थी, अभी उन बातों को महाराज जी कहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि तीर्थों का तीर्थत्व और उनका गौरव दिलाने का कार्य भी, जब ऊपर भी योगी और नीचे भी योगी हमारे प्रधानमंत्री जी भी योगी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी योगी और यहाँ बैठे हुए सब साधु संत भी योगी हैं। अब तो महाराज योग की इतनी महिमा है तो मथुरा वृंदावन धाम की भी महिमा, इनकी भी धूम पूरी दुनिया में मचनी चाहिए और इनका तीर्थत्व उसको गौरव मिलना ही चाहिए। इतना कह करके एक बार फिर से सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ और हमारे पूज्य गीता मनीषी जी के तप और पुरुषार्थ को, जो पूरे राष्ट्र और विश्व में गीता को माध्यम बना करके और भगवान श्री कृष्ण के सपनों का भारत बनाने के लिए, ऋषियों के सपनों का भारत बनाने के लिए, वैदिक युग के प्रतिष्ठा के लिए, ऋषि युग की देवत्व की प्रतिष्ठा के लिए जो पूज्य गीता मनीषी जी कार्य कर रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे पूज्य गीता मनीषी जी का भी। बोले भारत माता की।